आज के वीडियो में हम एक ही ताल से बहुत सारे पकवान बनाने वाले हैं। तो ताल का कोई भी पकवान बनाने से पहले ताल को मढ़ना पड़ता है, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में दिखाया है, जो कि इस वीडियो का पहला भाग है। तो जो दोस्तों ताल मढ़ना नहीं जानते हैं, वो मेरे पहले वाले वीडियो को देखकर ताल मढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम एक ही ताल से बहुत सारी रेसिपीज कैसे बनाते हैं ये फटाफट देख लेते हैं। ताल का खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो के इतना दूध, थोड़ा सा काजू, आप चाहे तो किशमिश वगैरह भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार, चीनी और ताल का पल्प जिसे हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और खीर बनाने के लिए 100 ग्राम के इतना अरवा चावल लेंगे। अब यहाँ पहले हम दूध को उबाल लेंगे। दूध जब उबल जाए तो अरवा चावल को हम धोकर उसमें डाल देंगे। अब इसमें हम काजू और चीनी भी डाल देंगे। चावल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दें, फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो यहाँ 15 मिनट का समय बीत चुका है, देखिए यहाँ चावल जो है अधपका हो गया है। अब खीर में यहाँ ताल का पल्प जो हमने रखा है उसे मिला देना है। मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर दें। अब यहाँ चावल को बिना ढके ही पकाएं और इसे चलाते रहें, और 10 मिनट तक यहाँ चावल को पकाना है। तो यहाँ ध्यान रखें कि आप इसे चलाना बंद ना करें। 10 मिनट बीत चुके हैं, तो देखिए यहाँ चावल भी पक गया है और खीर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा रंग आया है। अब चलिए हम ताल की पूरी बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 1 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लें। तो यहाँ आटे में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, यहाँ आटे को ताल के पल्प से ही गूथना होता है। तो यहाँ धीरे धीरे ताल का पल्प डालें, एक ही बार नहीं डालें, वरना आटा जो है गीला हो जाएगा। ताल का पल्प डालने के बाद स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी मिला दें, आप चाहे तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ताल के पल्प के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स करें। जरूरत पड़ने से थोड़ा और ताल का पल्प डालें और ताल के पल्प में अच्छी तरह से आटे गूंथने की तरह यहाँ आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ताल के पल्प से यहाँ आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें, जैसा कि रोटी या पूड़ी बनाने में हम लोग गूंथते हैं। तो यहाँ हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है, तो अब हम इसको पूड़ी बनाएंगे। तो पहले हम इसका छोटा छोटा गोली बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ 1-2 गोले को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जिसका हम और भी रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ बड़े गोली का हम रोटी और पराठा बनाएंगे और छोटे गोली से हम पूड़ी बनाएंगे। तो इसे हम पूड़ी की तरह इस तरह छोटा छोटा बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल पूड़ी बेला जाता है उसी तरीके से। ये काफी आसान तरीका है, देखिए इतने सारे पूड़ी मैंने बेल लिया है। तो अब इसे हम तलेंगे। तो यहाँ हमने सनफ्लावर ऑयल गरम कर लिया है। तो जब तक यहाँ तेल गरम हो रहा है, तब तक हम यहाँ रोटियों को भी बेल लेते हैं और पराठों को भी बेल लेते हैं। तो इन सभी रेसिपी में ताल का विशेष स्वाद होता है। तो ये सब भोजन आप उपवास में भी खा सकते हैं। तो यहाँ हमने रोटी बेल ली है, तो चलिए इसका हम 2 पराठा भी बना लेते हैं। तो ये जन्माष्टमी में काफी प्रचलित होता है, इसको भोग भी चढ़ाया जाता है। तो तेल गरम हो चुका है, तो चलिए फटाफट पूरी को तल लेते हैं। देखिए यहाँ पूरी का कलर ताल के रंग की तरह दिख रहा है और इसका स्वाद भी ताल की ही तरह होता है, और यह ऐसे नॉर्मल पूरी की तरह नहीं दिखती है, ये थोड़ा डार्क कलर की दिखती है, ऑरेंज टाइप की, और इसका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बनाते हैं।
तो यहाँ रोटी बनाने में कोई झंझट नहीं है, नॉर्मल रोटी आप जैसे बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाना है। रोटी को दोनों ओर से पलट पलट कर पका लेना है और उसे फिर सेंक लेना है, तो हो जाएगी आपकी दाल की रोटी तैयार। इसी तरह से पराठों को भी बनाना है, जैसा आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं दोनों ओर से सेंक कर फिर इसे आप हल्का तेल या घी लगाकर उलट पलट कर लें और पराठा तैयार हो जाएगा। तो दाल की खीर, पूरी, रोटी और पराठा हमने यहाँ चार रेसिपीज तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इस दाल का बोड़ा बनाते हैं जो पकोड़े की तरह होता है। तो दाल का बोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कप के इतना चावल का आटा लेंगे। यहाँ मैंने अरवा चावल का आटा लिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। अब इसमें दाल का पल्प मिलाएं, तो यहाँ पल्प थोड़ा कम ही डालें, लगभग 5 से 6 चम्मच पल्प इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ आटे की तरह इसे नहीं गूंथना होता है, यहाँ जो पकौड़ी का बैटर तैयार करते हैं उस तरह से इसे तैयार करना होता है। तो यहाँ चावल के आटे में अच्छी तरह से दाल को मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। ध्यान रहे इसे आप ज़्यादा गीला ना कर दें, तो इसे धीरे धीरे हाथों से मिलाते रहें और पकौड़ी की तरह इसका बैटर तैयार कर लें। तो देखिए इस तरीके से इसे आप तैयार कर लें। अब हम कढ़ाई में यहाँ तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद इसे हम बोड़ा की तरह छोटा छोटा, जैसा कि पकोड़ा बनाते हैं ना उस तरीके से इसे छोटा छोटा तेल में हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर पका लेंगे और फिर इसे हम उठा लेंगे। तो देखिए बोड़ा भी काफ़ी आसानी से तैयार हो गया है और एक ही पल्प से कितनी सारी हमने रेसिपीज तैयार कर ली है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आपको ये खाना पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।